ज्ञान के मार्ग में पीछा नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल अनमोल जानकारी के साथ और पाइए अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक जानकारियाँ। दोस्तों, हनुमान जी महाराज एक ऐसे कलयुग में जीवित देवता है जो शीघ्र प्रश्न होते और अपने भक्तों के सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है और हनुमान जी महाराज की प्रिय शिष्य मंगल को समर्पित होता है। इस दिन व्रत रखने से हनुमान जी महाराज अपने भक्तों के सभी प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। साथ ही इस दिन व्रत रखने से आपके कुंडली में मंगल ग्रह खराब है जिसके चलते आपको मानहानि हो रहे हैं, धन के हानि हो रहे हैं या फिर विवाह में विलम्ब हो रहे हैं, पारिवारिक जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं वह दूर होता है। मंगलवार का व्रत रखने से कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए या फिर मंगलवार के दिन अगर आप हनुमान जी महाराज को मानते हैं तो कुछ ऐसे बात कहे गए हैं हमारे धर्मशास्त्र में जिसे आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप इन बातों को नहीं मानेंगे तो आपके जीवन में एक ऐसा पड़वा, आपके जीवन में एक ऐसा समय आएंगे जो आपको बर्बाद भी कर सकते हैं। तो मंगलवार के दिन कुछ ऐसे कार्य है जिसे नहीं करना चाहिए और मंगलवार के दिन कुछ ऐसे कार्य है जिसके प्रारंभ हमें जरूर करना चाहिए जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा सफलता मिल पाए। दोस्तों, हनुमान जी महाराज को तीव्र देवता कहा जाता है, इसे रुद्र कहा जाता है। ये जितना जल्दी प्रश्न होते हैं उतना जल्दी रुष्ट भी हो जाते हैं और हनुमान जी महाराज के बारे में कहा जाता है कि हनुमान जी महाराज क्षण भर में रंग को भी राजा बना सकते हैं और राजा को भी रंग कर सकते हैं। जो हनुमान जी महाराज की जैसा पूजा करते हैं, जैसे उपासना करते हैं, हनुमान जी महाराज उनके भक्ति के अनुरूप उन्हें फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, हनुमान जी महाराज को अष्ट सिद्धि और नव निधि का दाता कहा जाता है। हनुमान जी महाराज जी पर प्रश्न हो जाए उसे 8 प्रकार के सिद्धि और 9 प्रकार की निधि स्वत प्रदान कर देते हैं। वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। अगर वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके जाते हैं तो इसमें हमारे नुकसान नहीं है, इसमें आपका ही नुकसान होते हैं, क्योंकि अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं और ज्ञान हमेशा काम आते हैं, अभी नहीं तो वह ज्ञान बाद में चल करके काम आ सकते हैं। आप हमारे वीडियो को देखे रहेंगे तो यह ज्ञान किसी और को भी बता सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी प्रभु राम को मानते हैं, हनुमान जी महाराज के प्रति आपके तनिक भी भक्ति है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, मंगलवार के दिन कुछ ऐसे कार्य है जिसे नहीं करना चाहिए, जैसे कि नमक नहीं खाना चाहिए। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में ये डाउट होता है कि कई सारे लोग YouTube में बता चुके हैं कि मंगलवार के दिन नमक नहीं खाना चाहिए। भैया, उन्होंने लोगों को नमक नहीं खाना चाहिए जो लोग व्रत रखे हैं, या फिर मंगलवार के दिन एक्स्ट्रा नमक लेकर के नहीं खाना चाहिए। आपके सब्जी में ये फिर जो चीज खा रहे हैं उसमें जितने नमक डेल है उतने नमक को खाना चाहिए और एक्स्ट्रा नमक मंग करके नहीं खाना चाहिए। मंगलवार के दिन अगर आप नमक लेकर के एक्स्ट्रा खाता है तो ये आगे आपके सेहत के ऊपर में भविष्य में चल करके बहुत बड़ा असर डालता है। इसलिए ज्योतिष लोग बोलते हैं कि मंगलवार के दिन नमक नहीं खाना चाहिए, पर मंगलवार के दिन अधिकतर लोग बोलते हैं कि मांस मछली क्यों नहीं खाना चाहिए, ये भी जानना आप लोगों को जरूरी है। तो देखिए, मंगल का जो दिन है बहुत ही सात्विक है। हनुमान जी महाराज परम राम भक्ति है और हनुमान जी महाराज परम सात्विक है, तो ऐसा माना जाता है कि मंगलवार के दिन अगर कोई व्यक्ति मांस खाता है, मछली खाता है, अंडा का सेवन करते हैं तो इसे तामसिक पदार्थ कहे गए हैं और हनुमान जी महाराज तामसिक लोगों को पसंद नहीं करते। तो ऐसा माना जाता है इस दिन मांस खाता है, मछली खाता है, अंडे का सेवन करते हैं तो आपके मंगल ग्रह कमजोर होते हैं। मंगल ग्रह कमजोर होते हैं तो आपको धन हानि होती है, मान की हानि होती है और पारिवारिक जीवन में आपके बहुत ज्यादा कष्ट आते हैं। इसलिए अधिकतर लोग बोलते कि मंगलवार के दिन मांस मछली इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, क्योंकि मंगल का प्रकृति उग्र मनी जाती है। जिस प्रकार हनुमान जी महाराज उग्र है, इस प्रकार उनके शिष्य मंगल भी उग्र है और बहुत से लोग बोलते हैं कि मंगलवार के दिन कर्ज नहीं देना चाहिए। अब ऐसा क्यों नहीं देना चाहिए, इसके पीछे भी कारण है। अगर आप मंगलवार के दिन मान के चली किसी को कर्ज दे तो उसे कर्ज वापस मिलने में काफी समय लगा देते हैं और अधिकतर ये भी देखा गया है कि मंगलवार के दिन आप कर्ज देते हैं तो वह कर्ज बहुत लोगों को मिलते भी नहीं है। तो भैया जान करके आप अपने पर में कुल्हाड़ी मत मारिए, मंगलवार के दिन किसी को कर्ज नहीं देना चाहिए, आप कर्ज देने से बचे। साथ ही ये भी माना जाता है कि मंगलवार के दिन लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अब मंगलवार के दिन लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं करना चाहिए, इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि मंगल की प्रकृति उग्र माने जाते हैं। मंगलवार के दिन आप लड़ाई झगड़ा करते हैं तो कोर्ट कचहरी का सामना आपको करना पड़ सकता है,
क्योंकि मंगल एक दूसरे को लड़ने का काम करते हैं। जिनके मंगल कमजोर हो, अगर आप मंगल की बात नहीं मानते तो अभी की जीवन तहस नहस हो सकते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन लोहे का समाज नहीं खरीदना चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। स्टील के बर्तन है, धारदार हथियार है, जैसे कि कटर है, चाकू है, कैची है, ये नहीं खरीदना चाहिए। अब ये क्यों नहीं खरीदना चाहिए? क्योंकि मंगल और शनि ये दोनों एक दूसरे का घोर शत्रु है और शनि को लोहा समर्पित है। उसी प्रकार लोहे से चिर मंगल को होता है। इसलिए दोस्तों, मंगलवार के दिन लोहे का समाज खरीद करके मत लाना। हाँ, अगर सुबह समय है, जैसे कि रवि पुष्य नक्षत्र पर जाते हैं, पुष्य नक्षत्र पर जाते हैं, फिर जैसे कि होली है, दीपावली के दिन मंगलवार पर जाते हैं, तो उस दिन खरीद करके ला सकते हैं, उसमें दोष नहीं होता है। इस वीडियो में जानते हैं कि मंगलवार के दिन क्या कार्य करें जिसे हमारे किस्मत चमके। वीडियो को पूरा जरूर देखना है, वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। दोस्तों, अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। ज्ञान अभी नहीं तो आगे चलकर के काम आता है। ज्ञान हमेशा फायदेमंद ही साबित होते हैं। तो मंगलवार के दिन लाल चंदन या चमेली के तेल मिश्रित करके हनुमान जी महाराज को सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। आप सिंदूर नहीं लगा सकते। कोई आपकी विशेष मनोकामना हो तो किसी मंदिर के योग्य ब्राह्मण को चमेली के तेल में सिंदूर मिलकर के हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाने के लिए बोल दीजिए। आपको उनका पुण्य मिल जाएंगे, आपके मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे। मंगलवार ब्रह्मचर्य पालन करने का दिन होता है। अगर इस दिन आप अपने शक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते तो इस दिन शक्ति एकत्रित नहीं हो पाती। इसलिए बोला जाता है कि मंगलवार के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। शक्ति आपके खंडित होते हैं तो मंगल ग्रह भी कमजोर होते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि शस्त्र अभ्यास, शौर्य के कार्य, विवाह का कार्य, मुक्तमे का आरंभ करने के लिए यह उचित दिन होता है। बिजली, अग्नि, ये धातु संबंधी जो क्रय विक्रय करना चाहते तो मंगलवार के दिन आप जो चुन सकते हैं। दुकान की भी शुरू मंगलवार के दिन कर सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि मंगलवार को रीत चुकाने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। इसलिए रीत चुकाने से फिर आपको दोबारा कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती और वह रीत शीघ्र भी आप चुका सकते हैं। दोस्तों, चलिए मैं कुछ खास उपाय बता दूं जो उपाय अभी के जीवन में परिवर्तन लेंगे, अभी के सभी प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। और हाँ, अभी तक जय श्री राम नहीं लिखे है तो जय श्री राम जरूर लिखना। जो व्यक्ति जय श्री राम लिखेंगे, हनुमान जी महाराज उनके सभी प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, मंगलवार के दिन, दोस्तों ध्यान से सुनिए, मंगलवार के दिन नीम के पेड़ में शाम को जल जरूर चढ़ आना चाहिए और चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए। अगर आप कम से कम ऐसा 11 मंगलवार तक करते हैं तो आपके सभी प्रकार के मनोकामना, सभी प्रकार के कष्ट, सभी प्रकार के व्याधि समाप्त हो जाती है। क्योंकि नीम के वृक्ष में माता दुर्गा का वास होता है और हनुमान जी महाराज परम देवी भक्त है। जिस प्रकार आप सभी लोगों ने देखे होंगे, हम सब जब कुमारी भोजन अगर आपने तो उसमें एक लंगूरवा की भी जरूर पड़ती है, नो कन्या होती एक लंगूरवा होता है। तो हनुमान जी महाराज देवी माता के परम भक्ति है। अगर नीम के पेड़ में अगर आप शाम के समय में मंगलवार के दिन केवल जल चढ़ते हैं और चमेली के तेल का दीपक जलते हैं, 5 मंगलवार तक कर लीजिए, फिर भी आपके सभी प्रकार के मनोकामना जो अधूरी मनोकामना है वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मंगलवार का व्रत रख करके हनुमान जी महाराज की उपासना जरूर करना चाहिए। अगर आप उपासना करते तो हनुमान मंदिर में जाइए, नारियल चढ़ाए, सिंदूर चढ़ाए, केवड़े का इत्र चढ़ाए, गुलाबी की माला हनुमान जी महाराज को चढ़ाए, पान का जो बीरा पान एह ये चढ़ाए, गुड़ और चने चढ़ाए। अगर आप इतना चढ़ा देते हैं, कोई विशेष मनोकामना हो, कोई कार्य सिद्धि करना हो या फिर नौकरी की इच्छा हो तो यह उपाय करने के बाद आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएंगे। कम से कम 5 मंगलवार तक तो ये उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में कहे गए हैं, सुख समृद्धि के लिए मंगलवार और शनिवार का दिन हनुमान जी महाराज की मंदिर में जाकर के पूजा जरूर करना चाहिए। और 21 मंगलवार तक अगर आप हनुमान जी महाराज के व्रत रखते हैं तो 21 या 11 मंगलवार तक गुड़ और चना हनुमान जी महाराज को जाकर के जरूर चढ़ाना चाहिए। इसे हनुमान जी महाराज बहुत ज्यादा प्रश्न होते हैं और आपको मुंह मांगे आशीर्वाद भी दे देते हैं। जो आपके मन में भाव छुपी है, जो चाहते हैं कि हनुमान जी महाराज आपको आशीर्वाद दे दे, आपके कार्य को सिद्ध कर दे, वह कार्य को सिद्ध कर देते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर आपके घर में किसी ने तंत्र विकार कर दिए हैं, भूत प्रेत इत्यादि प्रकोप डाल दे हैं, आपके घर में धन आने का मार्ग बंद हो चुके हैं, किसी ने आपके घर के धन को बांध दिया है, तो एक काम जरूर करना, मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज की जो तस्वीर है उनके सामने में एक लाल वस्त्र बिछा करके आपको बैठ जाना है। उस लाल वस्त्र के ऊपर में आपको एक लोटा, तांबे के लोटा में एक लोटा जल भर करके रख देना है और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है।
हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आपको उस पानी को जो लोट में भरे हुए पानी रखे उस पानी को पाठ करते समय आपको देखना है। इसके बाद उसे जल को थोड़ी सी आपको पी जाना है, घर के लोगों को पीला देना है और उसे पानी को आपको अपने घर में पूरे छिड़क देना है। दोस्तों, आपके घर में कैसा तंत्र विकार लगे हुआ हो वह भस्म हो जाएंगे अगर किसी ने आपके घर के लक्ष्मी को बांध दिए है, जिसे आपके घर में धन आने का मार्ग बंद हो चुके हैं, धन आने का मार्ग खुल जाएंगे ऐसा भी माना जाता है। मंगलवार के दिन दोस्तों, अगर आप मंगलवार के दिन लाल कलर की वस्तु का दान करते हैं, जैसे कि लाल वस्त्र है, लाल पुष्प है या फिर लाल मसूर की दाल है, अगर आप इनका दान करते तो हनुमान जी महाराज ज्यादा से ज्यादा प्रश्न होते हैं, मंगल ग्रह भी ज्यादा से ज्यादा आपके कुंडली में बलवान होते हैं और वह आपको वह सारे भौतिक सुख प्रदान करते हैं जो आपने सोच करके रखे हैं। तो मंगलवार के दिन केवल लाभ लेने का दिन होता है। इस दिन किसी को कर्ज मत देना, इस दिन कर्ज मांगने का अच्छा दिन होता है। अगर किसी व्यक्ति ने आपको कर्ज नहीं दिए है, आपसे कर्ज ले लिए है, तो मंगलवार के दिन कर्ज मांगने के लिए जाइए, ना चाहते हुए भी वह आपको कर्ज देगा।